ओके तो आज का आपका टॉपिक है डोज कैलकुलेशन। बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स में आपके टॉपिक है डोज कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट, ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड ऑन द बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया। यूनिट नंबर वन पोसोलॉजी में फैक्टर अफेक्टिंग के बाद दे रखी है डोज कैलकुलेशन, और ये तीन तरह की डोज कैलकुलेशन पूछी जाती है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान से देखना है। देखो अब ये मत बोलना कि सर यार बायोलॉजी में कहां से ये मैक्स वगैरह के फॉर्मूला ला रहे हो आप। देखो डोज देना अपने को, और मेरी गारंटी है सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पे हो जाएंगे। सिर्फ 5-10 मिनट सुनना है मेरे को, करना क्या है कुछ भी नहीं करना। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए फॉर्मूले से, पहली बार तो फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं आता, सीधा पूछते हैं कि फॉर्मूले लिख दो, या तो 5 नंबर में सारे, या कोई भी आपको फॉर्मूला पूछ लेगा 2 नंबर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन, तो टेंशन वाली बात नहीं है। और इतनी मैक्स हमारी कमजोर नहीं है कि हमें 2+2 4 नहीं आता, आता है बड़े आराम से। तो ये सारे फॉर्मूले मैं याद करूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देख लेना, पोसोलॉजी और फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी, वो भी इम्पोर्टेंट है। अपन स्टार्ट कर रहे हैं डोज कैलकुलेशन यूनिट नंबर 1 फार्मास्यूटिक्स। सबसे पहले देखेंगे अपन बेस्ड ऑन बॉडी वेट, ठीक है। बॉडी वेट पे अपन कैलकुलेट करेंगे डोज हमें कितना देना है। तो सबसे पहले उसके लिए फॉर्मूला है क्लर्क्स फॉर्मूला, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 तरह से वेट दे रखेंगे, एक वेट देगा आपको एलबी में, एक वेट देंगे आपको केजी में। अगर आपको वेट इन एलबी हो, एलबी मतलब पाउंड में हो, अगर आपको वेट पाउंड में हो तो आपको 150 से डिवाइड करना है। अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी फिर हेरा फेरी 150 रुपया देगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है वेट इन एलबी अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। और अगर केजी में यूनिट है, किलो में अगर आपको वेट दे रखा है तो आपको 70 से डिवाइड करना है। इतना सा फर्क है कि अगर एलबी में दे रखा है तो 150 से डिवाइड करना है, और केजी में दे रखा है तो 70 से डिवाइड करना है, एडल्ट डोज साथ में मल्टीप्लाई करना है। और ज्यादातर केजी में ही देते हैं, ठीक है। तो यार कुछ भी नहीं है, आपको अगर वेट दे देंगे, एडल्ट डोज दे देंगे, तो अपन आंसर नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो 35 किलो वेट है और एडल्ट डोज है 500 मिलीग्राम, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो 35/70 1/2, और 1/2 अगर ये मान लो ये 1/2 आ गया तो 2 से 500 को काटेंगे तो 250 मिलीग्राम आंसर। इतने नॉर्मल लेवल आता है बस, और वैसे भी आपको सिर्फ फॉर्मूला पूछेंगे, क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। चलो नाउ अपन देखेंगे बेस्ड ऑन एज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो यहाँ पे यंग्स फॉर्मूला, क्या नाम है, यंग्स फॉर्मूला, क्या बात है सर, ये तो जवान फॉर्मूला लग रहा है। हाँ भाई 4 से 12 साल के बच्चों के लिए है, और 12 साल में प्यूबर्टी आ जाती है तो बोलो हुए नहीं हुए जवान, ठीक है। तो ऐसे याद रखना एज इन ईयर अपॉन एज इन ईयर प्लस 12, ठीक है। ईयर में आपको एज लिखनी है कितने साल का है, फिर सेम ईयर में आपको एज लिखनी है और 12 प्लस करना है, क्योंकि सर हमें पता है प्यूबर्टी कितने साल में आती है, 12 साल में। हम सब क्या है, यंग, और यंग है तो पता लग ही जाएगा, एडल्ट डोज आपको दे रखेंगे। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 12 दे दिया आपको एज इन ईयर, मान लो 12 प्लस 12 और एडल्ट डोज भी आपको दे दिया, तो क्या आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बड़े आराम से हो जाएगा। अगला देखो डीलिंग फॉर्मूला, क्या है, डील करनी है, क्या करनी है, डील करनी है, ऐसे याद रखो डीलिंग फॉर्मूला। देखो इसमें कैसे याद रखोगे आप, एज इन ईयर सेम अपॉन 20, 20 साल के लड़के से मैं डील कर रहा हूँ, भाई बात मान ले यार तू 20 का हो गया, अगर तू यंग फॉर्मूला होता तेरे में यंग लगा देते, पर अगर तू 20 का हो गया है तो बात मान ले। ऐसे याद रखना है आपको कि एज इन ईयर अपॉन 20, क्योंकि अपन डील कर रहे हैं तो बड़े वाले से करेंगे, 20 साल वाले से करेंगे, 20 साल वाले से करेंगे लगभग। तो एज इन ईयर अपॉन 20 लिखना है आपको, और साथ में लिखना है एडल्ट डोज, ठीक है। तो सब वैल्यू आपको दे रखेंगे कि एज इन ईयर कितना है, एडल्ट डोज कितना है, सिर्फ सिंपली आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है, क्लियर है बात। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज, देख लो एक बार इसको, यंग हो गया, डीलिंग हो गया, यंग में कुछ नहीं करना, 12 साल में प्यूबर्टी ऐसे याद रखना है, डील में 20 साल वाले से डील करनी है ऐसे याद रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फ्राइड फॉर्मूला, ठीक है। और फ्राइड करने के लिए अपने को 150 रुपया देना पड़ेगा, ऐसे याद रखना है, अक्षय कुमार की मूवी की तरह 150 रुपया देगा, ठीक है। तो ऐसा याद कर लो, सब्जी फ्राई करनी, कुछ भी फ्राई करना है तुम्हें, फॉर्मूला नहीं भूलना, सीधी सी बात है, ठीक है। एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज, और ये आप इन्फेंट्स में लगाते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला इन्फेंट्स में छोटे बच्चों के लिए है, क्या फॉर्मूला है, एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। कोई भी घर में रिश्तेदार आता है, मेहमान आता है, तो छोटे बच्चों को 100-150 रुपए देते हैं, वैसे याद रख लो भाई, पर 150 याद रखना, 100 मत लिख के आ जाना, याद करने का तरीका आपका होना चाहिए, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद हो गए। नाउ नेक्स्ट इसी में है बेस्ड ऑन एज में काउलिंग फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान से सुनना, नाम क्या है सर, काउ दिख रही है, ऐसे याद रखो, गाय वाला फॉर्मूला है, कैसे याद करोगे ध्यान से सुनना, मेरी गाय एक दिन में 24 घंटे दूध देती है, सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं,
हाँ, तो मेरी गाय 24 घंटे दूध देती है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको, एज इन ईयर प्लस वन अपॉन 24 इंटू एडल डोज, सीधी सी बात, कुछ नहीं करना काउंटिंग। हाँ सर हमें याद है, एज इन ईयर लगाना है, प्लस वन करना है, अपॉन 24 करना है, क्योंकि मेरी गाय एक दिन में 24 घंटे दूध होते हैं, 24 घंटे दूध देती है, इतना याद रख के आपको लिख देना है। कुछ भी नहीं है यार, यंग में प्यूबर्टी आ रही, डीलिंग में 20 साल वाले से डील करनी है, फ्राइड में 150 रुपए देना है, और काउलिंग में क्या करना है, एक गाय 24 घंटे दूध दे रही है, क्या करना है, कुछ नहीं है। अब देखो अपन GTA Vice City खेलते थे, उसमें गाली आती थी, जैसे अगर अपन कार्स तो जो हाईजेक करते, प्लेन हाईजेक करते, पुलिस वाले को मार देते, तो जो पुलिस वाले अपन को पकड़ने आता था, GTA Vice City की बात बता रहा हूँ, जिसने खेला होगा उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे गिरा के अपन को बंदूक की नोक पे रखता और बोलता बास्टर्ड, यू बास्टर्ड, ऐसा। तो ऐसा आपको याद हो जाएगा, बास्टर्ड फॉर्मूला, ठीक है। अपने को याद रखना है, अपने को मतलब नहीं, कोई नहीं पूछने आ रहा तुम्हें कि तुम्हें कैसे याद होगा, हमें याद होना चाहिए, बस बात खत्म। तो ऐसे याद रखो, बस्टेडो फॉर्मूला, अब तुम जो भी प्रोनाउंसिएशन करो इसकी, इसमें क्या करना है, एज इन ईयर प्लस 3 अपॉन 30, एक बार बताओ, 330 लगा दो बस, ठीक है। एज इन ईयर प्लस 3 अपॉन 30 इंटू एडल्ट डोज, सब कुछ एडल्ट डोज में है, ठीक है, एडल्ट डोज सब में है, देख लो, डोज तो बताना पड़ेगा ना कितना देना है। बस एक ही ध्यान रखना है आपको कि फ्राइड, और इसको भी और अच्छे से याद रखो तो क्राइड, और रोता कौन है, छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, फ्राइड को क्राइड से याद रखो, छोटे बच्चे 150 रुपए में मानेंगे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए, आपको याद है कि मेरी एक गाय है, हाँ सर आपकी एक गाय 24 घंटे दूध देती है, ठीक है, 1/24 करना है, तो एडल्ट डोज याद हो गया, मैं पकाऊ मत, अच्छी बात है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन बॉडी वेट हो गया ये फॉर्मूला, क्लर्क फॉर्मूला, सिर्फ LB और KG का फर्क है, 150 की जगह 70 है, सारे फॉर्मूले हो गए ये ई तक, बेस्ड ऑन एज, ठीक है। नाउ लास्ट, ये पूछा नहीं जाता कभी, फिर भी सिर्फ ध्यान रख लो, अगर आपको ध्यान रखना है तो, बेस्ड ऑन बॉडी सर्फेस एरिया, ठीक है। तो बेस्ड ऑन बॉडी सर्फेस एरिया अगर चाइल्ड है तो डिवाइड करना है आपको 1.73 से और मल्टीप्लाई कर देना एडल्ट डोज, ठीक है। तो बेस्ड ऑन बॉडी सर्फेस एरिया अगर चाइल्ड है तो मल्टीप्लाई करना है एडल्ट डोज अपॉन 1.73, ये याद करना है आपको, क्या 1.73, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बॉडी सर्फेस एरिया, अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं मैं चाइल्ड के लिए नहीं, नॉर्मल के लिए, 0.425 log NW, 0.725 log NH, ठीक है सर। ये W क्या है, W है वेट ऑफ चाइल्ड इन kg और H है हाइट इन सेंटीमीटर, फाइव में सेंटीमीटर में हाइट है, और W है वेट ऑफ चाइल्ड इन kg, और फॉर्मूला क्या है, 0.425 log N, 0.725 log N, बोलते जाओ 0.425 log N, 0.725 log N, हो गया यार, क्या करना था। अब ये वैल्यू तुम्हारे याद होती तो ठीक, नहीं तो इसके साथ ही जोड़नी है आगे, जगह नहीं थी इसलिए जोड़ी नहीं मैंने, 1.8564, अब तुम्हें जितनी भी याद होती है, 1.85 भी याद होती हो तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना इतना चलता है। तो ये हमने देखा डोज कैलकुलेशन, अब आप इसको आराम से 5 नंबर में लिख सकते हो, क्योंकि ये तो व्हाइट बोर्ड पे मैंने एडजस्ट करके लिखा है, पर जब आप कॉपी में लिखोगे तो 3 पेज आराम से भर जाने, पहले पोसोलॉजी डिफाइन कर देना हल्की सी, फिर लिख देना ऑन द बेसिस ऑफ पोसोलॉजी, पोसोलॉजी यही क्या, रिलेटेड टू डोज कैलकुलेशन, सारा लिख देना, ठीक है। तो ये आपकी पोसोलॉजी खत्म हो गई है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।